अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक मोनेटाइज कैसे होगा और फेसबुक की पॉलिसियां क्या है। चलो चलते हैं फेसबुक पे और देखते हैं, और मैं आपको बताता भी चलूं कि फेसबुक की जो पॉलिसियां हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। उसकी पॉलिसियां ये है कि अगर आप दूसरों की वीडियो डालोगे, ऐसे डायरेक्ट अपलोड करोगे तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। इसलिए फेसबुक की पॉलिसी है कि अपनी डायरेक्ट वीडियो ना डालो, उसमें एडिटिंग करो, उसमें आपकी तस्वीर होना लाजमी है, यानी आवाज़ नहीं, आपकी तस्वीर होना लाजमी है उस वीडियो में। कोई भी वीडियो अपलोड करो उसमें तस्वीर होना लाजमी है। ये मेरा फेसबुक पेज है, देखो मेरे ये सिर्फ एक नहीं, मेरे बहुत सारे फेसबुक पेज हैं, और एक मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज भी हो गया है। इसमें भी देखो ये डैशबोर्ड है, प्रोफेशनल बोर्ड, देखो इसमें भी मेरे फॉलोअर्स, देखो आप अभी मेरे पुराने फॉलोअर हैं 4948, उस पर मुझे स्टार मोनेटाइज मिला है। ये देखो ये सेटअप है स्टार मोनेटाइज। अब ये अगर मैं अगर सेटिंग करता हूँ तो ये मेरे से परमिशन मांगता है। ये देखो स्टार मोनेटाइज, ये अर्निंग मनी विथ स्टार्स। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जा सब भी कर सकते हैं मज़े से। अभी मैं इसको नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसकी वजह ये है कि मैं आगे फॉलोअर्स बढ़ाऊं और मुझे ये सारे कंप्लीट करनी है, जैसे स्टार मोनेटाइज है, बोनस है, इन स्ट्रीम एड्स और सब्सक्रिप्शन, ये मेरे को चारों करने हैं, तभी जाके एक साथ में इनकी आईडी बनाऊंगा। अभी मैंने दूसरी आईडी है मेरी, वो मोनेटाइज हो गई है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो ये मेरी आईडी है जो मोनेटाइज हो चुकी है। इसमें देखो मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँचे हैं, प्रोफेशनल बोर्ड। अब इसमें देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये देखो ये है मोनेटाइज। अब ये मोनेटाइज देखो आप, स्ट्रीम ऐड भी हो चुका है, ये देखो अभी तक अर्निंग ओपन नहीं हुई। अर्निंग नहीं हुई और ये स्टार मोनेटाइज हो गया है। देखा ये है आसान, मुश्किल नहीं है, मगर क्या है जो इसकी जो पॉलिसियां हैं ना, इसकी पॉलिसियों को हमें समझना है। क्रिएटर सपोर्ट, इसकी मोनेटाइज जो पॉलिसियां हैं, इसकी अगर पॉलिसियां जिसने भी फॉलो कर ली ना, वो बहुत कमाएगा और सही कमाएगा। शुरू से और नया पेज बनाओ, उस पेज में आपको ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना, यानी अपने वीडियो के अलावा और वीडियो अपलोड नहीं करनी, अगर करो तो उसमें आपकी तस्वीर होना लाजमी है। अगर तस्वीर न दोगे तो आपका ये फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं होगा। ये देखो अब ये बता रहा है फिड माय एसएस, अब इसका मतलब है अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको साथ कुछ भी हो रहा है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसको हम ठीक करेंगे। अगर जो भी आपके पेज में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह है कि आप हमें बताएं कि मेरे फेसबुक पेज में ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखो पेमेंट आउट, पे आउट,
अब देखो इसमें मेरा अकाउंट भी लग चुका है, ये मेरा बिलावल जामरी की आईडी है और मेरा इसमें अकाउंट हो गया है। देखो हबीब बैंक का मेरा अकाउंट है, इसमें मेरा अकाउंट भी लग गया है, ये मोनिटाइज हो चुका है चैनल। अब अगर इस पर मेरे को तकरीबन 28 दिन की रिजल्ट ये बताएंगे आने वाले 4 तारीख को, अगले महीने की 4 तारीख को ये मेरे को रिजल्ट बताएंगे कि आपने कितना कमाया है, देखेंगे क्या करते हैं। इसमें देखो मैंने जो वीडियो छोड़ी है वो वीडियो दूसरी नहीं है, सिर्फ अपनी वीडियो है, इसमें आप सिर्फ अपनी वीडियो छोड़नी है, दूसरी वीडियो आप कोई भी छोड़ोगे ना फिर वो मोनेटाइज नहीं होंगी। सिर्फ अपनी वीडियो छोड़नी है, कोई भी अगर वीडियो छोड़नी है तो वो अपनी ही छोड़नी है, किसी और की नहीं, अपनी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो छोड़ो। फेसबुक की जो पॉलिसियाँ हैं उस पर चलो, अगर उस पर नहीं चलोगे तो आपके फेसबुक में प्रॉब्लम होगी। फेसबुक वालों का कहना है हम उस वीडियो को फॉलो करेंगे, उस वीडियो पे हम आपको पैसे देंगे जो आपने बनाया है, समझ गया, जो हमने वीडियो बनाई है ये उस वीडियो को फॉलो करेंगे, दूसरे को नहीं। अगर दूसरी कोई भी वीडियो आप छोड़ोगे फिर आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। ये देखो अब जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है ना, आप सोचो जिसकी तरफा 50,000 रुपए यार, 50,000 रुपीज, वो अपना मुंह पीट रहा है कि मैं अपने बच्चों को ईद पे कपड़े कहां से दिलाऊंगा, मैं तो नाफ्तारी करा पा रहा हूं, मैं सहरी करा पा रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप सोचो यार क्या कयामत हो गई है, 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था। ऐसे वीडियो में अगर कोई भी वीडियो देखो आप उसको ऐसे बनाना है, अगर दूसरों की वीडियो छोड़ोगे तो वो सही नहीं बनेगी, तो आगे चल के अपने वीडियो को और फेसबुक का ख्याल रखें। अगर आपको पैसे कमाने हैं, मेहनत करनी है तो उसका ख्याल रखें आप, दूसरों की वीडियो हरगिज़ नहीं अपलोड करनी। और भले भले आप बड़ी बड़ी भी वीडियो दे सकते हैं, ज़रूर नहीं दे, सिर्फ छोटी दे, बड़ी भी दे सकते हैं, जो वीडियो आपने बनाई है वो वीडियो सिर्फ देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें। देखो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, 17,000 फॉलोअर हैं, 5,000 को तो मैंने फॉलो करा है। देखो ये मेरे वीडियो हैं, मैंने वीडियो बनाए हैं, ये इन वीडियो में मैं नहीं हूँ, फिर उनकी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि वीडियो को वीडियो में तब्दीलियाँ लाए, देखो कितने मेरे व्यूज हैं, कितने फॉलोअर हैं। मेरे को फेसबुक वालों ने ऐसा बोला कि वीडियो में तब्दीलियाँ लाओ, देखो लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों जुगाड़ एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से गाड़ी तारों पर चलाई जा सकती है, मोटरसाइकिल कंधों पर उठाई जा सकती है और घर बैठे ही वेजिटेबल कटिंग मशीन बनाई जा सकती है। कुछ जुगाड़ वाकई ही बड़े काम के होते हैं, मगर कुछ जुगाड़ फायदे की बजाय उल्टा नुकसान करवा देते हैं। सबसे पहले ये शानदार जुगाड़ देखिए, बिजली ना हो तो कोई मसला ही नहीं, बस एक बैटरी की मदद से रोशनी की जा सकती है और इसके साथ साथ पंखा भी चलाया जा सकता है। और ये वाला जुगाड़ देखिए, भारी सामान ऊपर पहुंचाने के लिए अब ज्यादा मेहनत की जरूरत।
जरूरत नहीं, पहले रिक्शे में सामान लाओ और फिर उसी रिक्शे से सामान ऊपर पहुंचाने का जुगाड़ लगाओ। इस मोहतरम ने अपने घर में ही एयर कूलर बना लिया है। जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, ये वाला जुगाड़ वाकई ही इस बंदे के बहुत काम का है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब महंगी गाड़ी खरीदना हर बंदे के बस की बात नहीं। इस भाई साहब ने अपनी मेहरान के अंदर ही ठंडी हवा के लिए कूलर फिट कर लिया है। चचा के इस जुगाड़ के लिए 21 तोपों की सलामी देना बनती है। और इसी तरह से इस कैरी डिब्बे का जुगाड़ भी कमाल है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या कारीगरी है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। दोस्तों, अब इस लड़की का जुगाड़